press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द क्रिएटर चैनल। हाज़िर हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फोर स्टेप जो होते हैं क्रिएट, जो हम फोर स्टेप करते हैं उसको आप 3D शेडो में किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करके आपने जो स्लाइड का कलर है वो आप चेंज करेंगे, इस तरह से लाइट करेंगे कलर को, और फिर इंसर्ट में जाके आपने शेप लेनी है। ये इस तरह से हमने शेप सेलेक्ट की और ये देखें इस तरह से, और इसे यहाँ से आपने सर्कल कर लेना है, गोल कर लेना है ऊपर से, और इसको रोटेट आप करेंगे। रोटेट में जाकर इस तरह से रोटेट करेंगे आप इसे शेप को। ये आपने रोटेट कर ली इस तरह से। अब आपने दोबारा से जाना है आउटलाइन में, और आउटलाइन इसकी जो है वो आपने ख़त्म कर देनी है, और यहाँ से ग्रेडियंट फील्ड में जाके इसकी आपने सेटिंग करनी है। जो कलर आपको दिखाई दे रही है इसकी आप सेटिंग करेंगे इस तरह से, देखें ये, इसे हम थोड़ा इधर कर लेते हैं राइट पे, और इसे थोड़ा इधर, ताकि जो इसका गोलाई वाला हिस्सा है वो वाइट होना चाहिए। और आई ड्रॉपर लेके हमने इसे आई ड्रॉप कर लिया, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपने 100 कर देनी है इस तरह से, 100 करेंगे। और इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से देखें, और इसको लाइनर में आपने कर लेना है। जिस आप एंगल में इसको करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इस तरह से। आप एक और शेप यहाँ से लेंगे और ड्रैग करेंगे उसे, इस शेप को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह। इसको ड्रैग करने के बाद आपने इसको रोटेट करना है इस तरह, आप इसे रोटेट करेंगे ये देखें इस तरह से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे इस तरह। अब इसकी आउटलाइन है वो आपने ख़त्म की, और यहाँ से इसके जो कलर की सेटिंग है वो आप करेंगे शेडो के लिए। जो हमने नीचे ब्लैक शेडो देना है उसकी हम ये सेटिंग कर रहे हैं शेप लेकर इस तरह से, ये देखें, और इस तरह से इसको हमने थोड़ा आगे कर लिया, और इसे इस तरह से इफ़ेक्ट में जाएंगे, और इसे हमने जो है वो कम कर लेना है 10 पे इस तरह। अब आपने इसे सेलेक्ट करना है और बैक कर देना है, जो शेप हमने ली है उसके बैक पे आपने इसे कर देना है सेंड टू बैक, राइट क्लिक करके, और इस तरह इसके कलर में जाके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपने 100 कर देनी है इस तरह से, देखें ये आपने कम कर दी। और अब आपने दोनों जो शेप हैं उनको सेलेक्ट करना है, और राइट क्लिक करके आपने ग्रुप कर देना है इन्हें इस तरह से, ये ग्रुप कर दिया आपने, और इसी तरह ड्रैग करके आपने इसको नीचे ले आना है, और यहाँ से इसको रोटेट कर देना है आपने, ये आपने रोटेट कर दिया ये देखें, और इस ये इस तरह आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे, ये भी ग्रुप है, इसको अनग्रुप किया आपने, और ये देखें जो इसके शेडो आ रहा है नीचे इस तरह से, इसको सेलेक्ट करके आपने सेंड टू बैक कर देना है इस तरह, ये देखें इस तरह से, ये इसी तरह ऐसे करेंगे आप सबको सेलेक्ट करके। अब आपने थोड़ा इसको ऊपर कर लेना है शेप को, और ड्रैग करके इसको आपने नीचे ले आना है इस तरह से, नीचे ले आएंगे आप इसे दूसरी शेप को जो तीसरे नंबर पे है, और सेंड टू बैक करेंगे, और नीचे वाला जो है उसे शेडो है उसको भी सेंड टू बैक आपने करना है इस तरह से, इसको ड्रैग करेंगे और नीचे ले आएंगे, तो ये देखें इस तरह सेंड टू बैक आप करेंगे, और नीचे वाली शेप को भी सेलेक्ट करने के बाद आपने सेंड टू बैक करना है इस तरह से। अब आपने जाना है इनसाइड में, और एक और आपने यहाँ से शेप लेनी है गोल राउंड में, ये देखें इस तरह, जैसे बटन होता है ये आपने इसको किया, और इसकी जो है शेप इसमें कलर आप करेंगे, और यहाँ से इसके इफ़ेक्ट देंगे आपको, इसको शेडो करेंगे इसका इस तरह, ये देखें, और इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसकी डिस्टेंस को, और ब्लर कितना होना चाहिए इस तरह, ये देखें, इसे ही हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे
नीचे वाले उस पे पॉइंट पे बिल्कुल जो रेड लाइन आपस में मिल रही होती हैं उसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल आपका ठीक है, शेप आपकी बिल्कुल उसी पोजीशन में है। ये देखें इस तरह जूम करके आपको दिखाया है, इस तरह से। अब आपने ये देखें, इसे हम लेते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये आपने कलर चेंज किया और इसी तरह इसको ड्रैग करके आप जो सेकंड वाली है शेप उसमें आप ले आएंगे और यहाँ से इसका जो शेडो है वो आप देंगे इस तरह से, ये वाला शेडो। और इसको हम बढ़ा लेते हैं एंगल को, डिस्टेंस को और ब्लर कितना होना, ये देखें। यहाँ से अब इसका आपने कलर चेंज कर लिया, इसको ही ड्रैग करके आपने नीचे ले आना है इस तरह से। इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, शेप फिल में जाके ये हम ब्लू कर देते हैं, ये देखें इस तरह से। इस तरह से आप शेप को 3D इफेक्ट देके बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।